अच्छा जी, तो ये असल में पीर लाखा जो है ये कब्रिस्तान भी है और यहाँ पर एक मज़ार भी बना हुआ है और ये कहते हैं सदियों पुराना ये मज़ार है। अभी थोड़ी देर में हम अंदर भी जाएंगे और देखेंगे इसको गौर से। बाकी फ़िलहाल के लिए ये इन कब्रों को देखिए यहाँ पर। जब कोई मतलब ये पूरे के पूरे इलाके में जहाँ पर भी कभी कोई डेथ होती है तो वो जनाजा यहाँ तक लेकर आते हैं, दफनाते यहाँ पर हैं। ठीक है, इन कब्रों के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, सर्व सिर्फ पत्थरों की शेप से मेरे ख्याल में ये पहचानते हैं कि किसकी कब्र है। देखिए यहाँ पर लोग भी रहते होंगे, अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा। शायद ये जो कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं वो वहाँ पर यहाँ पर रहते होंगे। ताकि इसके बिल्कुल साथ ही एक बड़ा खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है, एक बाग सा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घास भी और ये बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी उगाई हुई, शायद अपनी कौन सी फसलें। और ये बाकी इधर से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर रिहायशी भी है ज़रा थोड़ा दूर दूर। देखिए ये थोड़ी प्रॉपर बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये कब्रिस्तान का एक्सटेंड काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी दूर तक ये चलता है। वो नाजिश और बेजाद वहाँ पर खड़े अपनी बना रहे हैं वीडियोस। और बाकी देखिए चलते हैं, ये वो आपको दीवार नज़र आ रही होगी वहाँ पर कोने, वो वहाँ तक वो है एक्सटेंट हमारा, वहाँ तक चलना है। ठीक है, ये हमने एक बाउंड्री सी बनाई हुई है, ये करती है डिवाइड करती है कब्रिस्तान को और वो बाकी का जो वो वाला इलाका है। तो ये पूरे बड़े इलाके में, इतने बड़े इलाके में जो कि पहाड़ों के साथ घिरा हुआ है, इसमें शहर खामोशा सिर्फ यही है। बाकी लोग दूर दूर रहते हैं मगर सबके दिल बहुत करीब हैं, आपस में बहुत मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को हर बंदा, लगभग हर बंदा एक दूसरे को जानता है यहाँ। रहायशी वो बता रहे थे कि ये पहले यहाँ पे कोई बुजुर्ग थे पीर लाखा के नाम से, तो उनके नाम पे फिर ये इलाका भी उन्हीं के नाम से हो गया और ये मज़ार भी उन्हीं का है। अच्छा मुझे बताइए सनोल्ला कि आप जो है यहाँ कितने साल कदीम है ये मज़ार? तकरीबन 300 साल। अच्छा 300 साल कदीम है ये मज़ार, और फिर ये अब ये जो इसकी इतनी खस्ता हाल हो गया कैसे हो गया? बारिश की वजह से। अच्छा बारिश की वजह से हो गया। आप लोगों ने कुछ किया इसको बचाने के लिए? कुछ नहीं किया। अच्छा हुकूमत की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया। अच्छा ये पूछा नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। अच्छा इस इलाके में मुझे बताएंगे इसे और कितने कदीम जगह है जो बचाई जा सकती है, अभी कितनी पुरानी जगह है जो 100-300 साल पुरानी हो और उनको बचाया जा सकता हो? अच्छा ठीक है। भाई सनोला जो यहाँ के रहायशी हैं उनका ये कहना है कि 300 साल कदीम ये मज़ार है, इसको बचाने के लिए फिलहाल हुकूमत की जानिब से तो कोई आया नहीं है, बारिशों की वजह से और जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं उनकी वजह से ये मज़ार जो है वो अपना खस्ता हाली की तरफ जा रहा है, लेकिन जो है हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है ताहाल। और इस इलाके में ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक कदीम तरीन जगहों में से एक है। चले जी, ये हम उसी सेम मज़ार के अंदर एंटर होने लगे। ठीक है, तो ये पहले फोटोज़ लेंगी फिर उसके बाद एंटर होंगे। ये देखिए ये मलबा गिरा हुआ है सारे का सारे इन दीवारों से। ठीक है, और ये किसी ज़माने में प्रॉपर फर्श हुआ करता था यहाँ पर। ये देखिए अभी भी उसके कुछ रिमेन्स नज़र आ रहे हैं हमें, ऐसी वजह चिकनी मिट्टी टाइप का जो पहले जिससे इन्होंने ये प्लास्टर बनाया हुआ है।
खैर उसके ऊपर पेंट भी है, तो ये चलते हैं। देखिए इस तरह के छोटे पत्थर इन्होंने खुद तोड़ के काट कर बनाए और इनको बकायदा जोड़ा, और ये इस तरह से दीवार जो ऊपर आपको नज़र आ रही है इस तरह से बनाई। देखिए आज से तकरीबन अगर 300 साल पुरानी ये जो कह रहे हैं कि अगर इसको ये भी लेते हैं तो देखिए डिज़ाइनिंग, और बड़े लोगों में यहाँ पर भी इस किस्म का शऊर था। तो ये जो आर्चेस बनाए हुए हैं ये सेम स्टाइल की बनाई हुई हैं आर्चेस। ये हमारे जो भी आप कराची या शाकी में चले जाएं तो ये दिस इज़ मोर लाइक इस्लामिक आर्ट जो कि हर जगह पे आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, ये आर्चेस, ये हमारे सनाउल्ला, बताया आपने नाम, सनाउल्ला भाई के पीछे भी ये आप देखिए पीछे वही सेम आर्चेस बने हुए हैं। यू कैन फाइंड दीज सिमिलर काइंड ऑफ आर्चेस इन बुद्धिस्ट टेम्पल्स एज वेल, बट दे आर बिट डिफरेंट इन शेप। हाउएवर दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कीप ओवर दैट। नाउ वेल दीज सीम टू बी प्रीटी एम्प्टी एंड देयर इज नथिंग राइट हियर। जी बरांडा किया था, यहाँ से बरांडा बनाया हुआ था। दिस वाज कवर्ड कम्प्लीटली। अच्छा अब ये देखिए, the other places, the temples that you would find in India and in many other places, well, these kind of arches normally have their statues or the idols there that are either worshipped or just looked upon for prayers or something. Well, these are the similar kind of arches that are normally made even in the Catholic churches you find, and they have the photos of the saints and the Virgin's photos as well. So we're going to go inside that place as well. You can see that opening there, that's where they say you can probably see the grave of the person, the tomb. I'm going to go inside in a while now. All right, so this is the tomb of the person. Well, if you look at the entire place, you would find similar kind of architecture and these arches, very well mathematically made. Just the 300, well, seems to be pretty young, but however, it's not just being young, is it? This is the place perhaps where the devotees would sit and pray. You can also see the remains of the shawls that they cover the grave with. Well, this entire place was functional, let's say about 50 years from now, maybe more. But they say this is like 300 years old. That's perhaps some kind of political party's flag. Okay. So, you see, this is almost very well designed. So if I take you closer to this, see, these are bulgy, these parts are bulgy, and the upper part goes inside the shaft that they've made up. So look at this. अच्छा, तो कब इसकी हालत ऐसी हुई थी? कब 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 ये गिरा है? 1995। अच्छा, तो ये क्या जगह बनाई थी? ये तो इधर से गिर गया था, इसको बंद किया इधर से। अच्छा, कार का पानी आता था यार, पानी बाहर किया इधर, बंद किया इधर से, लग दिया ऐसे ऐसे इसको बंद किया।
Are the stones that we were thinking there were stones, but these not stones. If you actually look at them, they are those clay tablets people would make and write on in the ancient times. But now people started making red bricks. So this is more like an initial form of the red bricks. These are not baked properly. However, they would make them and perhaps dry them in the sun, and then they would use them for building purposes. Well, normally the houses here are built with stone walls and the kind of clay that they have. But because this is a special place for everyone, so they built it with these. So, now I've come out from here again. Oh, this is the view. If you look at that, this is a serious beauty. Look at everything over there. Everything looks so beautiful. It's pretty early in the morning, like when I say, compare the time with the Karachiites and their culture. It's very different. यहाँ पर कम से कम किसी को जरूर आना चाहिए इसको बचाने के लिए, लेकिन ये देखने वालों के लिए या नई मालूमात के लिए जरूर चीज है. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से कुछ फासले पे ही हमें कुछ जो पहाड़ है उनमें कुछ केव्स भी अभी नजर आए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि जो पहले के लोग थे, यानी कि आप ये समझ लें 100-200 साल पुराने जो लोग थे, वो पहाड़ों में जो है ना गार बना के रहते थे. तो अभी हम वो केव्स भी देखने जा रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि उन केव्स में क्या जो है हमें नया मिलता है, या किस किस्म के लोग या किस तरीके से लोग जो है उन गारों में रहा करते थे. चलें.